नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज हम रिपेयर करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन, जो कि देख पा रहे हैं काफ़ी हैवी जो सेट लग रहा है आपको देखने में, और इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको किस टाइप से खोलना है, चेक करना है, पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। सबसे पहले इसका देखिए पेज सभी हमने यहाँ पर खोले हुए हैं और इसका जो कवर है हमने यहाँ पर निकाल दिया है, और बाकी देख पा रहे हैं कितना हैवी वेल्डिंग मशीन लग रहा था देखने में, और बिल्कुल छोटा सा इसके अंदर कार्ड लगा हुआ है। तो ये देखिए सबसे पहले इसकी डस्टिंग है जो पूरी साफ़ कर देंगे। इसके बाद में फिजिकली यहाँ पर देखिए दोनों कैपेसिटर यहाँ पर फटे हुए हैं। ये देखिए ये यहाँ से फटा हुआ है और ये वाला कैपेसिटर बहुत ज़्यादा फटा हुआ है। कस्टमर ने बोला कि बहुत ही धमाकेदार इसमें आवाज़ आई थी, तो इस मशीन को आज हम कंप्लीट इस वीडियो में रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसको सीरीज के अंदर ही आपको लगाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए सीरीज के अंदर हमने मशीन को यहाँ पर लगा दिया है, सीरीज वाले प्लग के अंदर हमारा टेस्टिंग बोर्ड है जो। और इसके बाद में दोस्तों ये देखिए इसका फ़ैन है जो यहाँ पर चल चुका है, फ़ैन इसका चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो डिस्प्ले है इसका देखिए डिस्प्ले भी यहाँ पर आ चुका है, एम्पियर भी इसके ये देखिए कम ज़्यादा हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में दोस्तों ये देखिए एम्पियर कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो वायर का टुकड़ा लेंगे यहाँ पर सॉर्टिंग करेंगे, जो टर्मिनल है हमारे वेल्डिंग के होल्डर वाले, ये देखिए बिल्कुल कोई भी यहाँ पर सॉर्टिंग नहीं हो रही है, यानी कि आउटपुट करंट इसका बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इस टाइप से आपको चेक करना है, तो गेज आपका वायर का बहुत हल्का लेना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए मशीन के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको पूरा खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ये देखिए जो टर्मिनल के लिए ये पत्ती लगी हुई है अंदर से, इसको खोल देंगे। इसमें दो स्क्रू लगे हुए हैं जो कि हमारा यहाँ पर आसानी से खुल जाएगा। इसके बाद में सभी जो जिक हैं जो आपको फैन वगैरह की, और ये निकाल देंगे और सभी स्क्रू निकाल के जो कार्ड है इसका, पूरे कार्ड को यहाँ पर हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही पूरा चेक कर पाएंगे इसको। ये देखिए पूरा कार्ड हमने निकाल लिया है बाहर, और ये देखिए तो दोस्तों ये देखिए इसमें यहाँ पर भी धमाका हो रखा है। ये देखिए IGBT इसका जो नंबर है ये आपको मैं बता देता हूँ, ये 50T65 इसका नंबर है, और इसकी एक लैग बिल्कुल यहाँ से ब्लास्ट हो रखी है। देखिए धुआं इसका जमा हुआ है, और ये हैं इसके दो इसमें आउटपुट डायोड लगे हुए हैं जो कि आउटपुट के लिए जाते हैं, और ये देखिए दोनों यहाँ पर दो IGBT हैं, और यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस भी जली हुई है। ये देखिए अंदर की तरफ भी फॉल्ट है इसमें, तो ये देखिए एक IGBT इधर लगा हुआ है, दो IGBT और इसमें हमारे दो इसमें आउटपुट डायोड लगे हुए हैं। ये देखिए आउटपुट सबसे पहले चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी पे रखा है मीटर को, और यहाँ पर 370-380 जो भी आपकी ये रेजिस्टेंस आनी चाहिए, यानी कि आउटपुट में इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ओके है। और इनपुट का फॉल्ट चेक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए जो IGBT है इनको निकालेंगे हम, तो IGBT का स्क्रू खोल दिया है, और ये जो सप्लाई की थिम्बल लगी हुई थी AC सप्लाई इनपुट की, उनको हमने खोल दिया है। और जो ये देखिए ब्रिज के ऊपर जो हीट सिंक लग रही थी उसको खोला है, उसके बाद में ये जो IGBT लगा हुआ है इस साइड में उसकी हीट सिंक भी हमने खोल दिया है। और यहाँ पर वायर का टुकड़ा लेंगे, कॉपर का वायर, या फिर आप कोई भी ख़राब IGBT की एक लैग ले सकते हैं, उसको लगाकर इस टाइप से काफ़ी आसानी से आपके IGBT यहाँ पर निकल जाएंगे, एक साथ तीनों लैग गर्म हो जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये हीट सिंक को निकाल देंगे, और दूसरा वाला जो IGBT है उसको भी सेम इसी तरीके से हम निकाल देंगे, काफ़ी आसानी से IGBT बाहर आ जाएगा, PCB के प्रिंट भी आपके ख़राब नहीं होंगे। हीट सिंक को खोल लेंगे, उसके बाद में जो अंदर जो सॉर्टिंग है कंट्रोल में उसको यहाँ पर चेक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए कैपेसिटर को भी निकाल देंगे, दोनों कैपेसिटर यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्योंकि ये भी हमें रिप्लेस करने होंगे। और ये देखिए ये इसका ड्राइवर जो ट्रांसफार्मर है अंदर छोटा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह लगी है आपके जीनर डायोड, ये भी हमको रिप्लेस करना होगा क्योंकि इसके बिना जो हमारे IGBT हैं वर्क नहीं करेंगे। तो ये देखिए दो IGBT इसमें रिप्लेस करने होंगे, दोनों कैपेसिटर रिप्लेस करने होंगे, खर्चा भी लगभग इसमें काफ़ी ज़्यादा आने वाला है क्योंकि काफ़ी कॉस्टली ये IGBT आते हैं। और ये देखिए तो दोस्तों पूरा सामान हम मार्केट से परचेज करेंगे और इस मशीन को ठीक करेंगे, और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी चेक करेंगे। तो इसके जो वीडियो है काफ़ी जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा। दी गई जानकारी और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी टाइप के कंटेंट और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।